इस टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला सिरपतपुर वर्सेस अपने व्यवस्था में जुड़ जाए त्रिलोकपुर के बीच होने जा रहा है। आप सभी क्रिकेट प्रेमी, आप सभी मैच का बिगुल बज चुका है। गप्पू पांडे जी से विनम्र निवेदन है कि जलपान की व्यवस्था करा दे। हमारे साथ फटाफट जुड़ जाइए, लाइक करिए। पहली गेंद तैयारी हो चुकी है, पूर्ण तैयार है। अब क्षमता झूलते हुए सूर्य के करीब की ऊंचाई की गेंद को सामने ठीक पॉइंट की तरफ खेल दिया है। उस ओर फील्डर मौजूद है, सफाई से गेंद को फेंक कर लेंगे, मगर खाता खुल जाएगा सिरपतपुर का। एक रन अभी भी पहली गेंद हुई है। गुड्डू की पहली गेंद थी थोड़ी सी पर पड़ने की, अचानक थोड़ी सी उछली और इतना जगह नहीं था कि लंबा ऊंचा साथ खेल पा ले। जी बिल्कुल, पहली गेंद काफी अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज को मजबूर किया था यहाँ पे कि माथे किरण निकाल पाते थे उस गेंद पे, और बखूबी बल्लेबाज ने पॉइंट के क्षेत्र में खेलकर एक रन पूरा करते हुए आठ ओवर का मुकाबला। तो लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए और भरी गेंदबाजी करने की समय कोशिश किया जा रहा है गुड्डू सिंह के द्वारा, जो कि बैटली के नाम से जाने जाते हैं। अब से किस समय लेफ्ट हैंड बल्लेबाज क्या कुछ कर पाएंगे गेंद पर, लेकिन इससे भी बेहतर अगला ट्रायल था तो ये पिक्चर है। कहीं ना कहीं क्या कहना चाहेंगे हम क्या भाई इस गेंद पर, बहुत ही अच्छी गेंद। टप्पा पड़ने के बाद इससे पिछली गेंद थी अचानक कुछ नहीं थी, इस बार एकदम नहीं चिरेगी। नतीजा ये जो कल बारिश हुई थी उसका ये साइड इफेक्ट दिखने लगा है इस बार, क्योंकि दो पेस का ये बाउंस पिच हो चुका है, कभी नीचे कभी ऊपर। बल्लेबाजों को समझ कर बल्लेबाजी करना होगा। लेकिन दूसरी गेंद जिस तरह से डाली, तीसरी गेंद पर आखिरकार सफलता मिलती हुई, बड़े मंच पर बड़ा पंच कहीं ना कहीं गुड्डू सिंह मारते हुए, और अपनी टीम के लिए जिस कार्य के लिए जाने जाते वही कार्य बखूबी किया है और एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए विकेट नंबर वन गिरा। चारों खाने चित हो गए। बल्लेबाज मुकेश बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। मुकेश जी हम मुकेश आए बल्लेबाजी के लिए, मगर गेंदबाजी बहुत चालाकी भरी गुड्डू कर रहे हैं। लगभग राउंड का विकेट के ओवर का विकेट गेंदबाजी करेंगे लेफ्ट हैंडर के लिए। एक बार तैयार गुड्डू चले भाई नमान भाई की आज कोई जानकारी नहीं है। अभी देखते हैं, आया हूँ ग्राउंड में, सीधा लाइव चालू कर रहा हूँ। कहीं मिल जाता जब लगातार अच्छी गेंदबाजी आप करते रहते हैं तो कभी ना कभी तो विकेट मिलेगा ही। जब लगातार आप अच्छी गेंदबाजी कर फिर से गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया है और जब तक गेंद को फील करते थोड़ा करते ऐसा नहीं, ये सीधा सीमा रेखा के बाहर जाते हुए चारों ओवर थर्ड मैन बॉडी लाइन के बाहर चारों के लिए बहुत ही खराब फील्डिंग। रवि तिवारी उस पर हमको नजर आ रहे हैं, बहुत ही खराब है। जहाँ एक रन से टीम ने तीन रन गवा दिए हैं, आज का ये नॉकआउट मुकाबला है। सचिन भाई लिखा हुआ है, बिल्कुल डिस्प्ले पे लिखा हुआ है दोनों टीमों का नाम। मैच इस तरह के दिशाहीन फील्डिंग से बचना होगा कहीं ना कहीं, एक एक रन यहाँ पे बचाना होगा। और इसमें गेंदबाज अभी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तो साहब पे फील्डिंग भी अच्छी करनी चाहिए जिससे गेंदबाज का भी मनोबल बढ़े। अगर अच्छी फील्डिंग होगी तो दोबारा तैयार होते। बहुत ही नाराज है, अपने आप से बहुत नाराज है, चले गए सिकंदर से बात करने के लिए किस तरीके की फील्डिंग हो रही है, मगर दोबारा तैयार होते हुए बल्लेबाज के एक बार फिर गेंद को खेला। टप्पा पड़ने के बाद और ऊंचाई की तरफ है, लगभग सीने के करीब की ऊंचाई की गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथ, विकेट कीपर की तरफ है। ओवर नंबर पहला समाप्त होता हुआ, ओवर नंबर एक खत्म होता हुआ, टीम का स्कोर है 6 रन एक विकेट के नुकसान। जी बिल्कुल, अब सिकंदर भाई सिकंदर भाई नमो का हुआ ही खर्च किए नमो का हुआ सफलता हासिल किए हैं। अगर उस थर्डमैन के क्षेत्र में अगर फील्डर ने गेंद को सफाई के साथ फील करे होते तो कहीं ना कहीं मात्र 2 ही रन होता टीम का योग, तो कहीं ना कहीं जो 3 रन ज्यादा बना है टीम का योग कहीं ना कहीं 3 ही रन होता, माफ कीजिएगा। जिस तरह से तो काफी अच्छी गेंदबाजी की गई गुड्डू सिंह के द्वारा, नए गेंदबाज समय संदीप आए एम्पायर मनीष मिश्रा 170वां टी10 मुकाबले की एम्पायरिंग करते हुए, इससे पहले दुबई चले गए थे टी10 मुकाबला जो हुआ था उसमें भी तो करते नजर आए। संदीप का बहुत ही छोटा रन अपाय और चले गए नए बल्लेबाज, बढ़िया गेंद हवा में, मगर फील्डर के करीब है, नीचे लाइन नंबर बाउंड्री लाइन
करीब एक रन से संतोष करेंगे नए बल्लेबाज मुकेश और टीम का स्कोर जब पहुंचा है 7 रन। बहुत ही बेहतरीन पहली गेंद दिनकर संदीप ने लाजवाब गेंदबाजी की थी। मैंने लाइव देख रहा था आफ्ताब भाई की ब्लॉग में लगातार मैं आजमगढ़ क्रिकेट लाइव पर जुड़ा रहता हूँ। आप लोग से गुजारिश भी कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और लाइव मैच का आनंद उठाएं। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी क्योंकि मात्र 57 रन टीम ने स्कोर बोर्ड पर टांग पाई थी। अगर इस मैच को जीता है तो आप अंदाजा लगा सकते कि सभी गेंदबाजों ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी की थी, चाहे संदीप हो चाहे गुप्तू हो चाहे शिकंदर यादव ने, सभी ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। एक बार फिर खराब फील्डिंग का नतीजा, एक रन जहां होना था वहां 2 रन में तब्दील कर दिया और 2 रन आसानी से टीम ने आज फील्डिंग। टेंट वालों से विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द मंच को व्यवस्थित कर दे। टेंट वालों से विनम्र निवेदन है कि अपने कार में जुट जाए। संदीप आज फुल रनअप से गेंदबाजी नहीं करने लग रहा कि फिट नहीं है, मैच खेल रहे हैं, बात होगी बाद में, मगर ऐसा लग रहा कि बहुत अच्छे फिट दिखाए। पेस भी लगभग 118 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, लगभग 140 के तरीके की गेंदबाजी करते बाद फिर चले ओवर द विकेट। बहुत ही बढ़िया गेंद टप्पा पड़ने के बाद चली गई एज लगती है, कुशल तिवारी मौजूद है। एक रन आउट फंड में फील्ड कर लेंगे, एक रन आउट मिल जाएगा। टीम का स्कोर जब पहुंचा है करोड़ों की मदद से 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर, सिरपतपुर अभी भी विजय नहीं हासिल कर पा रही है। जी बिल्कुल, दबाव में जिस तरह से पहला विकेट गिरा है और मात्र 6 रन पहले ओवर भाई जानकारी नहीं है, जानकारी उधर बिल्कुल बता देता होगा कि बड़ा मैच है, कम से कम जो 8 ओवर का मैच है यहाँ से 100 रन बनाने होंगे 48 गेंदों में, तभी आप इस मैच में सेफ बने रहेंगे। फिर चले गेंदबाजी करेंगे मुकेश के बाद, बहुत ही बढ़िया गेंद टप्पा पड़ने के बाद हवा में झूलती हुई विकेट कीपर। एक बार फिर चले संदीप, बहुत ही बढ़िया गेंद टप्पा पड़ने के बाद इस बार थोड़ी सी इनसे अंदर की तरफ आए, सामने गेंद को मोटा बाटा में लगते हुए गेंद सामने लुढ़क सी गई, आसानी से गेंद को फील्ड कर लिया गया। कमेटी का बल्ला अगर कोई भी ले गया तो जल्द से जल्द ले आए कमेटी का बल्ला। इसी बीच संदीप ने ओवर के लिए इस बार पटके गेंद पर चार रोक ले, रन बाउंस चौका बटोरने में महारत हासिल करते हुए और स्क्वायर लेग अंपायर के हाथ पीछे से निकाल दिया। चार रोक ले के बाहर लोग का है मैच, दो ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 14 रन 7 का रन रेट चल रहा है। इससे काम चलने वाला नहीं है सिरपतपुर को क्योंकि सामने बहुत धासु टीम है, तिल्लोमपुर में 1 से 1 बजे हुए खाई नजर आ रहे हैं। गुट्टू अपना कोटे का जूनियर हाई स्कूल छोड़ने गेंदबाजी करने के लिए तैयार, लगभग 20 से 25 कदमों का रनअप है और गेंदबाजी करते चले जाएंगे। गेंद बल्लेबाजी पर बहुत ही अच्छे गेंद अचानक उठते हुए बैटिंग के अंकार में जाकर सिर पर टकराई है और कसल का रोल होता है, जाके देखते हैं पर उसे बात करता है, चली जाता है बात करता है कि चोटी तो नहीं हुए हैं। दोबारा उसे बात करने के बाद तैयार है बल्लेबाज, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, जिस तरह से बैठ लिए अच्छे अच्छे बल्लेबाज क्रिकेट में उसी अंदाज में इस समय बल्लेबाज को लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज को मजबूर कर रहे हैं इस समय कि रक्षात्मक तरीके से खेला जाए और चोटिल भी कहीं ना कहीं करती हुई इस समय जिस तरह से उनकी तेज गेंदें हैं। इसी बीच अपने ऊपर टेकनी गेंद गुट्टू से सामने की शूट बल्लेबाज इस बार गेंद को बल्ले की बाहर करा लेते हुए जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते चैल करने करते दोनों बल्लेबाज एक रन पूरा करते हुए। मुकेश पाथिर स्ट्राइक पर फाइनल पहले चौका क्रिकेट पर लगाया था, गुड्डू अपने कोटे का 30 से दूसरा ओवर टीम में और टीम का 3रा ओवर लेकर एक बार फिर बहुत ही अच्छी गेंद हवा में बड़ा दिन है बड़ा मैच है और बड़े मैच पर बड़ा पंच मारते हुए बखूबी यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं गुड्डू सिंह। क्या शानदार गेंदबाजी, 2012 और 2014 में जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे थे गुड्डू सिंह बिल्कुल उसी पुराने अंदाज पुराने लय में आज गेंदबाजी कर रहे हैं अंकिया भाई। बल्लेबाज ने बता दे अनुपम भाई टीम नहीं आई है, प्रेयर आप
जो जिम्बाब्वे के टाइबो एक के विकेटकीपर बहुत होनहार खिलाड़ी दूसरी के अंदाज में आए, मगर पर बहुत ही अच्छा गेंद, बहुत ही और चौका मिल ही जाएगा जी। बिल्कुल उसी दिशा में दो बार चौका दिए हैं फील्डर ने। बात की जाए तो गुड्डू सिंह नाराज होंगे क्योंकि इससे पहले जब पहला ओवर के बाजी कर रहे थे तब भी उसी इलाके में गेंद चली गई थी चार के लिए। चौके के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता भागता 19 रन जा पहुंचा है। दो विकेट के नुकसान। अनवर भाई क्या हाल है? कप्तान ने मारे भी है, कप्तान ने लगभग ऐसा लगा कि टीवी जो स्क्रीन दिखाया जा रहा है, रिप्ले दिखाया जा रहा है उस पर मौजूद है, उस पर लगा बात मेरी कानों तक उनकी पहुंच चुकी है। दो वहां पे हटाकर एक नए फील्डर को वहां पर तैनात कर दिया गया है, मगर क्रिकेट में यही होता है जितना आप बचेंगे उतनी ही गेंद आपके पास होती चली जाएगी। टुटे पर फिर तैयार होते हैं ये व्यक्तियों का गुच्छा हासिल करते हुए गुड्डू सिंह क्या धार धार के बाजी की है। तीन महत्वपूर्ण व्यक्ति हासिल करते हुए यहाँ पे अपने टीम के लिए बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। जितने कार्य करें प्रशंसा की जाए कम है गुड्डू सिंह। आज असली गुड्डू सिंह दिखाई देते अपने टीम के लिए, पुराने रंग में पुराने लय की तरह गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत ही लाजवाब मगर सभी से बल्ला मिलन नहीं हो पाया, इसलिए अगर थोड़ा और ऊंचाई से पाते हैं तो 6 रन हो जाता या 10 या 5 कदम आज दाएं बाएं को तो चौका मिल जाता, मगर उनका प्रशंसा करने के अंतम आगे तक के अच्छे खिलाड़ी को संतगर मेहनत करेंगे। जी बिल्कुल अनुपम अच्छे खिलाड़ी इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े बड़े टूर्नामेंट में बल्लेबाजी करते लेकिन जब अच्छी गेंदबाजी होती है बल्लेबाज ने बताया मनोज पांडे भी यहाँ तैयार होते हुए गुड्डू की खतरनाक ऊपरी लोकल जूनियर हाई स्कूल छोड़ कर गेंदबाजी करते चले जाएंगे। पांडे के लिए गेंद हवा में फूट जाए, मानो पथ पर गेंदबाजी हो रही है, हमने जाकर जूनियर हाई स्कूल पथ पर गेंदबाजी हो रही है। अपने कोटे का दूसरा ओवर खत्म करते हुए और टीम को तीन सफलता दिलाते हुए ओवर नंबर 3 खत्म होता हुआ टीम का स्कोर है 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सिरपतपुर बिल्कुल मतदार उतर गई है और बहुत ही शानदार गेंदबाजी की गई गुड्डू सिंह के द्वारा। इस पर महोदय से जानना चाहूंगा कि गुड्डू सिंह ने इस ओवर में कितने रन खर्च किए हैं, हालांकि पहले ओवर में मात्र 6 रन खर्च किए थे। अगले कुछ ही क्षणों में हमारे ओवर का है मात्र 5 रन। धन्यवाद इस पर महोदय जानकारी देने के लिए। तो गुड्डू सिंह की जो 2 ओवर की गेंदबाजी रही उसने मात्र 11 रन खर्च किए, 3 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। क्या कहना चाहेंगे अपना भाई आस्था भाई? काला छाता लगाकर बैठे हुए कुर्सी पर खाते चम रहे हैं और मैं कहना चाहूंगा आजमगढ़ क्रिकेट लाइव पर दर्शकों को जितने भी दर्शक मेरी आवाज सुन रहे हैं लाइक करें सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्त अहबाब सबको दिखाएं। बहुत दूर तक के मुकाबला दिखाया जा रहा है, एक बार फिर बहुत ही बड़े अगर पैरों पर गेंद थी इंपैक्ट का फैसला आना बाकी है, एक रन भरकर पूरा कर चुके हैं पाई के रूप में और 2 रन मिल जाएंगे इस तरीके से इस बार दिशा दे चुके। जी बिल्कुल दिशा ही दिए थे समय थे लेकिन अगली गेंद जरूर अनुशासन भरी गेंदबाजी करेंगे। इस समय दोनों छोर से अच्छी गेंदबाजी हो रही है, ना सिर्फ गुड्डू सिंह बाकी संदीप भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। दुबई सऊदी गल्फ कंट्री यूएस कनाडा अमेरिका हर जगह आप देख सकते हैं आजमगढ़ के लाइव पर जाए और भरपूर आनंद उठाए। बहुत ही खराब बचना होगा। अभी भी समय अभी भी वो मौका है कि अभी भी खिलाड़ी समय अच्छी फील्डिंग करे तो जिस तरह से गेंदबाजों ने गेंदबाजी की तो हम स्कोर पे रोक सकती है। नहीं आ रहा सिकंदर जैसे खतरनाक विकेट कीपर को ठेक लांघा ऊपर तैनात करने वाला अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं लगातार संदीप, लेकिन गेंदबाजों को फील्डरों को अच्छी फील्डिंग करनी होगी इस बार काफी अच्छी। क्या अंपायर यहाँ पे फर्स्ट बाउंस करार देंगे? जी हाँ फर्स्ट बाउंस आता हुआ अंपायर मनीष मिश्रा जी का जो कि आज के अंपायर है काफी अच्छी अंपायरिंग करने के लिए जाने जाते हैं।
संदीप का खेल, मैं आपको कह रहा हूँ कल जो बारिश हुई थी उसके पेस से दो बाउंस का विकेट हो चुका है, कभी नीचे रह जाएगी, इसलिए बल्लेबाज को बहुत समझ कर बल्लेबाजी करना होगा, क्योंकि 8 ओवर में अगर यहाँ से 80-90 रन बना देंगे तो मुकाबला बहुत टाइट हो जाएगा। फिर देखिए टप्पा पड़ने के बाद आप इस टप्पा हमें हवा में छोड़ दी, विकेट कीपर सफाई देंगे फिर नहीं फील कर पा रहे हैं, मगर एक रन तो नहीं मिल पाएगा और डाक के होती चली जा रही है। जी बिल्कुल, लगातार मदद मिल रही है और जब मदद मिलती है बड़े खिलाड़ी हैं तो उसका भरपूर फायदा लेते हैं, जिस तरह से गुड्डू सिंह उसके पास संदीप लगातार अनुशासन भरी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार क्या अंपायर व्हाइट बॉल कराएंगे? जी हाँ, अतिरिक्त के साथ टीम के स्कोर में इजाफा होता हुआ। संदीप फिर दिशा दे चुके, लगातार तो नहीं मगर इस ओवर में तीसरी गेंदें व्हाइट हो चुकी है। सिकंदर यादव ठीक लंगा मौजूद है, क्या वो ओवर करे? कल कमाल ओवर किया, मगर सही से करेक्ट नहीं हुआ, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया और लैंड कहां से होगा, मगर एक रन ही मिल पाएगा उसको चले गए। इसको अंदर हमारे जो अंपायर है उनके पकड़ से कैच चले गए और टीम का एक रन और पूरा होता हुआ। संदीप पीले रंग की जर्सी पहने क्या खूब जच रहे हैं, कल धारदार गेंदबाजी की थी और मैं जूनियर हाई स्कूल छोड़ से गेंदबाजी करेंगे। उनके अतिरिक्त एक विकेट कीपर बैक फुट पॉइंट ठीक कोंडिया करे और फिर झनझनाहट भरा एक टोक था और गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर चली गई, कमर के क्षेत्र में चार रनों के लिए कोई मौका कोई गुंजाइश नहीं किसी खिलाड़ी के पास। इससे पहले जो संदीप की गेंद थी ओवर की समाप्ति आती है, ओवर नंबर 4 खत्म होता हुआ वो ओवर पिच के भरपूर फायदा उठाया, उसके बाद जो आखिरी गेंद थी लेंथ को खींच लिया अपनी तरफ और खींचा एक कदम और आगे के डाला, सिंगल आसानी से मिल जाएगा। ओवर नंबर 4 खत्म होता हुआ टीम का स्कोर 31 रन, विकेट गिर चुके हैं 3। जी बिल्कुल, बहुत ही लगातार अच्छी गेंदबाजी की जा रही इस समय और एक और गेंदबाज को यहाँ पे अजमाते हुए दिलोकपुर के कप्तान अंकित। मैं गेंदबाज अंकित ने कल लाजवाब गेंदबाजी की थी, बल्लेबाजी बहुत खूब की थी, बल्लेबाजी कर रहे हैं अंकित का सामना करें। बोलो बटकेट हवा में स्वागत करते हैं, लबकते हैं बिल्कुल लड्डू कैद था और आशा से कैद वहाँ पे लबकते हुए। आपको पांडे बता दे रहा हूँ बैटिंग करेंगे तो लगभग 50-60 लगभग पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ से लाजवाब बल्लेबाजी करना होगा, चौके छक्के लगाने होंगे क्योंकि दर्शक बहुत भारी संख्या में लगातार आ रहे हैं, टिकट सारी बिक चुकी है और जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा भाई एक्चुअली 7-4 का मुकाबला है। नमान भाई बोल तो रहे हैं आएंगे, अब नहीं आ रहे हैं तो अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि उनका मैच बिहार में चल रहा है इसलिए नहीं आए थे और आज के दिन की जानकारी नहीं है, लेकिन प्लेयर तो आए हैं, बहुत सारे प्लेयर आए हैं, बरेली से आए हैं, फैजाबाद से आए हैं, बहुत सारे प्लेयर आए हैं। सामने कृष्णा मौजूद है, आसानी से सफाई को गेंद को फेंक कर वहां पर फेंक देंगे अंकित को। गोरखपुर से आए बिल्कुल, बहुत टीम का योग है 32 रन और जी भैया सहारनपुर का मैच है आज, 8 टीम बची हुई है, 8 टीम का मैच है आज क्वार्टर फाइनल, टीम का योग 8 टीम का क्वार्टर फाइनल आज चुके हैं। अभी तक बात की जाए तो गुड्डू सिंह को 3 सफलताएं मिली है और 1 सफलताएं अंकित को मिली है, जो कि अपने पहली गेंद में बड़े शेर का शिकार करते हुए काफी अच्छी गेंद लगातार अनुशासन भरी गेंदबाजी, जब गेंदबाज के लिए विकेटों का खुराक मिलता है सिर्फ खुशी सिर्फ गेंदबाज के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार होता है और इसी के साथ एक और बड़ी मछली जाल में फंसाते हुए दूसरा झटका अपने टीम को अपने झोले में डालते हुए और टीम को 5वां झटका लगता हुआ। मनोज पांडे जब से बल्लेबाजी करने के लिए आए पता नहीं किस तरीके की बल्लेबाजी, बिना कैच की लाइन में आए हुए हवा में बल्ला चला रहे हैं, कब तक बचेंगे और एक रन बनाकर सीधा पवेलियन के रूप में चले जाएंगे। अंकित को दूसरी सफलता मिलती है इस ओवर में, बहुत बढ़िया गेंदबाजी हो गई, मगर सिरपतपुर की टीम मानो आज सुबह से ही संघर्ष करती नजर आ रही है, वही बल्लेबाज अब तक छक्का या चौका तो लगे मगर छक्का अब तक लगा नहीं है। जी बिल्कुल,
शुरुआती क्षणों से धाव में दिखाई दे रहे हैं। नए बल्लेबाज पंकज आए हैं। पंकज इस समय नए बल्लेबाज आए हैं, क्या चौके और छक्कों की बरसात कर पाएंगे अपनी टीम के लिए, क्या रन करने वाली बात सारे लोग मैच है यहाँ से ज्यादा से ज्यादा होगा अगर इस मैच पंकज के लिए बता दो एक सुपर ओवर कोंडे लाइन करीब और इसको पॉइंट बैकफुट कर दिया जाए। व्हाइट पॉइंट आप जिसको कह सकते हैं ठीक कोंडे लाइन करीब मौजूद है। लांगान वाइड स्पिन विकेट जोर मौजूद है और एक बार फिर अंकित तैयार हवा में फिर जाने क्या सारे मैच आज आठ आठ ओवर के होंगे। जी बिल्कुल बल्लेबाज यहाँ पे किस्मत वाले रहे कि गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ वरना विकेट का पतन हो सकता था यहाँ पे। जिस तरह से लगातार है भैया कितनी बार बताऊं है शाहपुर का मैच है यार तो गेंदबाज के मनोबल बढ़ जाते हैं। सारी टीमों का है जब बोल दिया तो भाई सारी टीमों का है उसमें मात्र एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। टीम का योग अभी भी मात्र 33 रन है, चार विकेट गिर चुके हैं। अब तो भाई उस वक्त मेहनत करते नजर आ रहे हैं लगभग वन के करीब इस मैच में सुनाई तो दे रहा मोगली आएगा और इब्राहिम अब सामना करेंगे किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे इब्राहिम ये देखने वाली बात होगी। खासकर अंकित अब राउंड लेवल करने के लिए गेंदबाजी करेंगे, जूनियर हाई स्कूल छोर से गेंदबाजी करेंगे। गुड्डू उस विकेट कीपिंग करते नजर आ रहे हैं, सुबह बहुत ही धारदार गेंदबाजी किए थे। एक बार फिर चले इब्राहिम के चारों के लिए उड़ती हुई वहां पर ओवर नंबर 5 खत्म होता हुआ और विकेट नंबर 1 गिर गया है। क्या नाम है इब्राहिम जी बिल्कुल मात्र चार और बिकते हैं और जिस तरह से अंकित ने इस ओवर में 3 बिकते छटके इसी ही ओवर में ओवर हैट्रिक कहीं ना कहीं उन्होंने लगाया है इस समय अपने टीम के लिए। जितनी तारीफ की प्रशंसा की जाए कम है विकेटों का गुच्छा हासिल करते हुए। हालांकि इससे पहले गुड्डू सिंह ने एक ओवर में 2 बिकते हासिल किए थे लेकिन उन्होंने 3 बिकते हासिल किए और इब्राहिम की बात की जाए तो 3 गेंदों का सामना किए 1 रन बनाए हैं। भाई पड़ी की टीम नहीं है। 5 ओवर के साथ ही बार टीम का स्कोर है 37 रन। 5 ओवर के सामने पर टीम का स्कोर 37 रन लगभग 6.25 का रन रेट है। इसे का नाम है संदीप भाई अगर इसी तरीके से रन बनेंगे तो लगभग 50 रन होंगे। देखने वाली बात है कि छोटे कद के जो खिलाड़ी डिफेंडर है पंकज किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे और एम्पायर मनीष बताएंगे कि कल फाइनल खेला जाएगा इस टूर्नामेंट का। और आशीष शेरवानी नहीं भाई आज अभी तक तो नहीं दिखे और जिस तरह से आपके एक विकेट आओ क्या कहना चाहेंगे चाहे गुड्डू सिंह हो जौहर जौहर जी हाँ और एक विकेट इसी बीच और गिरता हुआ नए बल्लेबाज पंकज आए खाता नहीं खोल पाए टीम का 7वां विकेट गिरता हुआ मात्र स्कोर है अभी भी 33 रन पर 7 विकेट। अभी ये टीम हमको लग रहा पूरे 8 ओवर क्या बताना खेल पाए पांडे जी बिल्कुल लेकिन जो बल्लेबाज आए इस समय जौहर आए हैं भले ही इस समय आउट ऑफ फॉर्म से गुजर रहे हैं लेकिन बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है। थावर टोल के कई टूर्नामेंट में हमने इनकी बल्लेबाजी देखी देखते हैं भाई नुमान भाई किसी टीम में हैं से लगातार गुजर रहे हैं। बलबीर यादव बलबीर यादव अगर आज इनका फॉर्म लौट आता है तो टीम को एक बड़ी मजबूत आधार दे सकते हैं। हालांकि अब ज्यादा ओवर बची नहीं है लेकिन अगर बची हुई गेंदों पर 4 या 5 वाइड फायर कर देते हैं जौहर तो कहीं ना कहीं एक अच्छा टोटल देखने को मिलेगा स्कोर बोर्ड पर। जौहर क्या जौहर दिखाएंगे ये देखने वाली बात रहेगी मगर सिकंदर इससे पहले जो कैच किया था लाजवाब कैच 20 कदम आगे बढ़ते हुए पूरा सब कुछ ठोक गया और सारे 7वां विकेट गिर गया। जौहर कैसी बल्लेबाजी करेंगे एक बार फिर गेंद हवा में तो थी मगर बल्ले के बल्लेबाज के कंधे के ऊपर से एम्पायर का इशारा था व्हाइट बॉल का बल्ले से तो नहीं मगर एक रन से और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ। तो जौहर को आज यहाँ पे अपने बल्ले के साथ जौहर दिखाना होगा जिसके लिए छाने जाते हैं। जौहर के मैंने बल्लेबाजी कई टूर्नामेंट में देखी अच्छे बल्लेबाजी करने के लिए छाने जाते हैं लेकिन इन दिनों आउट ऑफ फॉर्म से गुजर रहे हैं उतना के फॉर्म नहीं है तो पारी की शुरुआत करने के लिए आते थे आप अंदाजा लगा सकते जिस तरह से 8वें नंबर के बल्लेबाजी के तौर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। सब हम गेंदबाजी कर रहे हैं राउंड ऑफ विकेट लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जौहर के लिए कोई स्लिप कोई नहीं संदीप ठीक थर्ड मैन पर नजर आ रहे हैं और सुबह एक बार फिर चले राउंड ऑफ विकेट जौहर के लिए बहुत ही बढ़िया गेंद अगर ये विकेट नहीं होता तो जल्दी हवा में वहां पर उंगली खड़ी
हो जाते, मगर बैकअप में कोई था नहीं, इसे ले पाई का इशारा एम्पायर का आता हुआ। कुटू वहां पर चार्जर रन आउट होने का चांस मिल सकता था, मगर बैकअप में कोई था इसलिए समझा रहे कोई अतिरिक्त और कमाए। जी बिल्कुल, अगर कोई अतिरिक्त खिलाड़ी होता तो यहाँ पे जरूर रन आउट का खतरा बढ़ सकता था। और जोहर लगातार आउट ऑफ बाउंस से गुजर रहे, संघर्ष कर रहे हैं, कब फॉर्म लौटेगा जोहर का ये देखने वाली बात होगी। ये धारा में आसान से कैच के लपके जाएंगे यहाँ पर, लेकिन पहले गेंद फील्डर के बहुत से पहले गेंद टप्पा खा गई। शुभम अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पूरी टीम ने आज त्रिलोकपुर की जितनी प्रशंसा की है खाली एक क्षेत्र में फेल रही है, वो है फील्डिंग। बाकी सारी टीमें में उन्होंने टिक वाला मार्ग इकट्ठा किया है। कोच अपनी डायरी में मुस्कुरा कर अपनी डायरी में नोट कर रहे हैं, काफी पीछे चले जा रहे हैं। जोहर के लिए जोहर नहीं दिखा पा रहे हैं, हाथ का फील है, विश्व गुस्सा में ज्यादा विश्वास में कब एम्पायर का इशारा आता हुआ ओवर का ओवर नंबर खत्म होता हुआ। ये छह और टीम का स्कोर है 35 रन, बल्लेबाज आउट हो चुके हैं सात। जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार गेंदबाजी की गई है। 37 टीम का योग है 37 रन, सात ओवर की समाप्ति हो चुकी है और बहुत ही शानदार गेंदबाजी की गई है सभी गेंदबाजों के द्वारा। जितनी तारीफ के लिए प्रशंसा की जाए कम है। आशु तिवारी भी काफी खुश है जो कि टीम के कप्तान है। जैसे ही मैच खत्म होगा मैं उनसे दो शब्द, अंशु तिवारी से दो शब्द सवाल करूंगा कि जिस तरह से आपकी गेंदबाजी टीम ने किया है क्या कहना चाहेंगे। अरे मैच ने जिस तरह से एक छोटे टारगेट में रोक दिया है टीम को, बिल्कुल भाग के रख दिया है, जिस तरह से सामने वाले टीम की में बलवीर तैयार दोबारा अंकित की बहुत ही बढ़िया गेंद खुलने में टप्पा पड़ने के बाद उछाल लेते हैं। या तूफानी बाबा आप ना करें वरना ब्लॉक करूंगा, मगर ये कि कहीं एज लगा छूट जाएगा तो बहुत भारी पड़ सकता है तिल्लोपुर को। उसी पर पूरी यही चाहेगी कि कहीं छोड़े किसी तरीके से और रन बनाए हम, मगर अंकित बहुत ही गजब की गेंदबाजी करते चले जा रहे हैं। इससे पहले ओवर में 3 विकेट हासिल किया था उन्होंने, बट फिर गेंद हवा में है, मगर कोई साल में फील्डर नहीं है, सारे फील्डर टीम पे नजर आ रहे हैं। एक रन और मिलता हुआ अंकित दोबारा तैयार होते हुए इस बार ओवर द विकेट डिफेंडर बल्लेबाज के लिए जौहर है। अभी तक कोई जौहर दिखा नहीं पा रहे, ओवर नंबर 7 चल रहा है। तो भाई यार की गलती इसी तरीके से बल्ले को जमीन पर आते हुए जिसको कहते हैं कि कुसोरा को लगाया तो मिड विकेट पर गेंद को फिट कर लेंगे और रन मात्र एक ही रन मिल पाएगा। अंकित लाजवाब गेंदबाजी करते चले जा रहे हैं और रन छक्का तक लगा नहीं, हमारे स्कोर मतलब बता रहे हैं कि कोई छक्का नहीं लगा है अब तक, ऐसा कोई मैच हो जिसमें छक्का ना लगा हो। एक बार फिर गेंद फिर आएंगे मौजूद है, मगर उनके बाई तरफ से गेंद चली जाएगी चौके के लिए और 4 रन से उछलता कूदता स्कोर जब हो जाए 43 रन। जी बिल्कुल, चौके तो लग रहे हैं लेकिन छक्के नहीं लग रहे हैं और जोहर इस समय जो लगातार आउट ऑफ बाउंस से गुजर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं भाई है। और जोहर का बल्ला अभी तक नहीं बोला है, क्या जोहर का फॉर्म लौटेगा, चौके और छक्के लगाएंगे। बलबीर के बल्ले से निकलता हुआ चौका दिया खरबूजे को देखने का खाने पीने की व्यवस्था पूरी है। लगातार आउट ऑफ फॉर्म से गुजर रहे हैं जोहर, बहुत बड़े बल्लेबाज है, लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। कोरोनी में हमने इनकी बल्लेबाजी देखी, शतक लगाए थे पिछले सीजन में, काफी अच्छी खेल लगातार अनुशासन भरी गेंदबाजी, जितनी तारीफ की प्रशंसा की जाए कम है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अंकित के द्वारा अपने कोटे का दूसरा ओवर, टीम का 7वां ओवर लेकर आया है कप्तान। 8वां ओवर किसने गेंदबाजी कराएंगे, क्या फिर वही 8वां ओवर लेके आएंगे? जी हाँ, जो हमारे टीम कमेंट्री बॉक्स के बाईं तरफ खड़े हुए थे, गेंद इधर एक लगते हैं इस पर वाले की तेज जगह इस तरफ गेंद नहीं टकराई है, ये चली जा रही है स्पिनर की दिशा में, एक भाग का फील्ड करने से लौटने का मौका है, एम्पायर की उंगली हवा में दिया, चाहे थे तो भागने का प्रयास किया और विकेट अपना गंवा दिया। जी बिल्कुल, हमें लगता है ये 8वां झटका होगा शायद, 8वां झटका लगता हुआ टीम को। हमारे स्कोर महोदय ने जानकारी दी है, फेसबुक पे जाइए आप आजमगढ़ क्रिकेट लाइव सर्च कीजिए, उसके बाद क्रिकेट का भरपूर आनंद उठाइए घर बैठे। हमारे टीम कमेंट्री बॉक्स के बाईं तरफ हमारे होनहार बल्लेबाज मार्शल तिवारी उसमें मौजूद, आज उनका मुकाबला होगा, बहुत ही लाजवाब मुकाबला, दर्शक काफी संख्या में आने की उम्मीद है। ओपन नंबर ये हो चुका, ओवर नंबर खत्म हो गया 7, टीम का स्कोर है अभी भी 44 रन, विकेट खुल चुके हैं 8 विकेट और जौहर आखिरी ओवर शुभम लेकर गेंदबाजी करेंगे, ओवर नंबर
आठवां पहले इनिंग का भैया इतना कमेंट फालतू वाला ना करें पत्रकार के स्कूल छोड़ के गेंदबाजी करेंगे जौहर अब तक कोई जौहर नहीं दिखा पाए हैं विकेट कीपर के अतिरिक्त अब एक बार फाइन लेग पर उस और एक फील्डर तैनात किया उस अंकित मौजूद है एक बार फिर गेंद को खेला है जो होंगे चुके हो और छक्का जड़ भैया अरैया थाना का भी टीम के 50 रन पूरे होते हुए ओवर नंबर ये पहली गेंद आठ ओवर की शुभम के द्वारा 7 विकेट भरपूर फायदा उठाया अगर दो चार छक्के चल देंगे तो मुकाबला टाइट बन जाएगा ओवर नंबर 8वां चंदा पे खोलने का दूसरा बल्ले करके दबाजी करें आप इस समय काफी ज्यादा बार पर इशारा कर ही देंगे पर मरीज मिश्रा और साइमन कैफल मौजूद है और व्हाइट के रूप में एक रन और मिल जाएगा 51 का हो चुका है विकेट 8 गिर चुके हैं जी भैया अंकुर सिंह का भी मैच है शुभम के द्वारा जारी है राउंड का विकेट बल्लेबाज का नाम अब तक आया नहीं इसके बाद बताएंगे हमारे पास ठीक है हवा में फील्डर उस समय मौजूद है क्या अंपायर बताया कि बल्ले का किनारा लेती या नहीं लेती क्योंकि कैच उस ओर तो यहाँ नहीं लेती इनर एक तो नहीं लगाता मगर ऐसा लगा यहाँ से देखने को मिला कि कहीं बल्ले का किनारा लगता तो विकेट कीपर के करीब तो नहीं चली गई थी मगर 3 गेंदें इस ओवर में हो चुकी है मात्र एक छक्का लगा हुआ है जौहर तैयार जी बिल्कुल गेंदबाज इस समय उसके कमजोरी को भाग चुके हैं पूरी तरह से क्योंकि एक छक्के खा चुके हैं तो गेंदबाज इस समय कमजोरी को भाग चुके हैं इसी बीच हमने बल्ले के लिए बार फुल डॉग थे भरपूर फायदा उठाते हुए और दूसरा का जो में छक्का निकलता हुआ जौहर के बल्ले से और जौहर क्या बखूबी इस समय बल्लेबाजी कर अपने टीम के लिए दो छक्के लगा चुके हैं ये ओवर अगर 20 रन का चला जाएगा तो कहीं ना कहीं 64 रन हो जाएगा टीम का जो अच्छा टोटल होगा इस ग्राउंड पर 57 का योग हो चुका है जौहर ने जौहर करके ही दिखा दिया मगर बहुत ही उल्टा गेंद थी ओबी लेग स्टंप के करीब की गेंद को अब मौका सारा लंबा छक्का जा जाए उस ओवर 58 मीटर का छक्का जला उस ओवर और फिर जौहर क्या छक्का लगाएंगे या टीम विकेट अपना गवा के जाएंगे यहां देखो ठीक है हवा में उठा रहे हैं फील्डर उस पर मौजूद है आसानी से कैच कर लेंगे और आउट होकर पवेलियन चले जाएंगे और ओवर ऑफ की समाप्ति होती ओवर नंबर 8 मतलब पहले यहां पर समाप्त होती हुई ओवर नंबर 8 खत्म होता हुआ टीम का स्कोर है 57 रन टीम को यहां से बनाने 58 रन अगर तिल्लोपुर को से हर मुकाबला जीत पहुंचना जी बिल्कुल 18 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए एक गेंद है यहाँ अभी एक गेंद बची है तो नवा छक्का लगता हुआ टीम को अभी अंतिम छोड़ी मैदान के बीच में आएगी देखना होगा कि बची हुई एक गेंदों पर अगर 4 अच्छे पड़ जाएंगे तो टीम का योग है जो 60 के ऊपर चला जाएगा लेकिन 57 रन है टीम का योग और देखना होगा कि बची हुई गेंदों पर मरीज ने ऐसा इशारा दिया कि ओवर ऐसा लगा कि साइना पुरो ने ओवर अप का कर दिया इसलिए मैं बोल बैठा और एक गेंदबाजी है क्या छक्का लगाएंगे गेंद हवा में फिर उसके नीचे गए ओके सीमा रेखा के बाहर बीबी के ऊपर ने छक्का चले दिया जो टीम का स्कोर था 63 हो गया जी बिल्कुल मैंने पहले ही कहा था कि अगर यहाँ से 4-6 का पारा पड़ देंगे तो कहीं ना कहीं 60 के ऊपर स्कोर देखने को मिल जाएगा जो अच्छा टोटल माना जाएगा इस ग्राउंड पर और टीम का योग है जो 63 रन पहुंचा है 64 रनों की दरकार होगी तिल्लोपुर की टीम को अगर इस मैच को जीतना है 8 रन प्रति ओवर के स्काई रेट से रन को बनाना होगा हालांकि बहुत बड़ा लक्ष्य है नहीं जिस तरह से सिकंदर यादव फॉर्म में चल रहे हैं उसके बाद अगर बात की जाए संदीप है और अंकित जिस तरह से शतक बनाए हैं लीग मैचों में तो कहीं ना कहीं आसान नहीं होगा बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है कोई भी टीम बाजी मार सकती है कोई भी टीम जन्म महोत्सव का ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला 8 ओवर में तिल्लोपुर को 64 रन बनाने इसका मतलब 8 रन प्रति ओवर बनाने हैं और आसान होगा नहीं क्योंकि विकेट दो पेस का है कभी नीचे रह रही है कभी ऊपर रह रही है और खासकर ये नॉकआउट मुकाबला क्वार्टर फाइनल मुकाबला क्योंकि दबाव और टीम को फाइनल में जगह बनाना है जी बिल्कुल और हम सभी के बीच में माननीय विधायक अजय सिंह भी आते हुए इस समय अगले कुछ क्षणों में मंच पर उपस्थित होंगे क्रिकेट का भरपूर अंक रहते हुए कल भी पूरा 3 समय दिए थे क्योंकि 4 बड़ा मैच है और लगातार क्रिकेट प्रेमियों को भी झमारा लगता हुआ कल हम आपको सभी को बताना चाहूंगा 1700 पटकल खर्च हुए थे क्योंकि लगातार पब्लिक इस समय आ रहे हैं क्योंकि बड़े मैच का सभी क्रिकेट प्रेमी इंतजार कर रहे थे लगातार हमारे पास भी कॉल आ रहा था कि कब सेमीफाइनल फाइनल का मैच पड़ेगा
क्योंकि बड़े मैच देखना सभी क्रिकेट प्रेमी पसंद करते हैं। घोड़ा चौकी से भी फोन आया है कि कब फाइनल मैच होगा, कल के दिन और भी जनसंख्या बढ़ जाएगी, लगभग बहुत से ही लगभग 200-250 पब्लिक आने की अरमान है कहीं ना कहीं, जिस तरह से हर कॉल आ रहा है लगातार। मखौड़ा मनोरंजन महोत्सव 2023 हमारे 307 हरैया विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय अजय सिंह जी उपस्थित है, उनका स्वागत अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूँ। टीम पूरी कमेंट्री पैनल और एम्पायर हमारे मनीष मिश्रा के द्वारा उनका अभिनंदन किया जा रहा है और मैच का भरपूर लुक उठाए गए यहाँ से। क्रिकेट किलोपुर को 8 ओवर में 64 रन बनाने हैं और बहुत ही बेहतरीन मुकाबला होने की संभावना है। और आपको बता दो कि पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है और इसके बाद जो दूसरा क्वार्टर, आज 4 मुकाबले खेले जाएंगे, चारों क्वार्टर फाइनल मुकाबले होंगे और कल आपको आना मत भूलिए, यहाँ पर फाइनल मुकाबला होगा और सिर्फ फाइनल और फाइनल के मुकाबले खेले जाएंगे। दर्शकों से मेरा अनुरोध है जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन तो देखिए मगर आकर जो मैच का मजा ग्राउंड पर देखने में है वो ऑनलाइन में नहीं है। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग आकर भारी से भारी संख्या में, जिस तरह पिछला टूर्नामेंट हुआ था 2022 में लगभग 10,000 के करीब पब्लिक थी। अभिषेक है गेंदबाजी करने के लिए, अभिषेक आए हैं, अभिषेक गेंदबाजी करने के लिए आए। अभी भी दोनों ओपनर बल्लेबाज चले जाकर मेरे तिलोकपुर के दोनों ओपनर बल्लेबाज अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं। मखौड़ा मनोहर रामचंद महोत्सव 2023 का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है आजमगढ़ क्रिकेट लाइव पर। ठीक आपका भाई ऊपर छाता लगाकर क्या खूब जम रहे हैं और मैच को लगातार दिखाते चले जा रहे हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए उनको, चैनल को। और गप्पू पांडे जी यहाँ पहुंच रहे मंच पर, गप्पू पांडे जी मंच पर पहुंच जाए, हमारे विधायक जी के द्वारा उनको बुलाया जा रहा है मंच पर, जल्द से जल्द वहां पर उपस्थित हो जाए। ये प्रयास करिए कि देखिए सेमीफाइनल का मुकाबला है, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है, ये दो टीमें दो 8-8 ओवर खेल दे रहे हैं लेकिन बाकी टीमें 10-10 ओवर का मैच खेलेंगे और फाइनल का जो मैच होगा 15-15 ओवर का होगा। फाइनल का मैच 15 ओवर से कम का नहीं होगा, बिना 15 ओवर के समझ में नहीं आएगा कौन टीम में कितना दम है, टीमों का दम भी देखना है। दूसरा कमेंट्री हर बाल पर कमेंट्री होगी, हर खिलाड़ी पर कमेंट्री हो, खिलाड़ी कहाँ के हैं इस पर भी कमेंट्री होनी चाहिए। एक एक ओवर डाउन होता जाए, एक एक बाल डाउन होती जाए, बाल वाइज कमेंट्री करिए, थोड़ा खिलाड़ियों को सुनाई देता है, वो अपना बल्ला खोलते हैं और जो बॉलर है वो अपनी मेहनत बढ़ाते हैं। जब उनको पता होता है हर बाल में, हर ओवर में ये पता होना चाहिए इतना ओवर हो गया, इतनी बाल हो गई, इतना बन गया, इतना विकेट गिर गया। दोनों टीमों के खिलाड़ी बुलाइए जिनको पूरी जानकारी हो, एक एक आदमी का नाम होना चाहिए, बार बार नाम बुलाने से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है, उनको कम से कम उनकी गरिमा बढ़ती है, क्षेत्र में उनका नाम जाता है कि कोई अच्छा खिलाड़ी खेल रहा, हमारे क्षेत्र का अच्छा खिलाड़ी है तो पता चलना चाहिए। गेंदबाज है प्रवीण यादव, प्रवीण यादव गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, स्ट्राइक पर है अंकुर यादव और नॉन स्ट्राइक पर अंकित चौधरी। प्रवीण यादव गेंदबाजी करेंगे, अंकुर यादव अयोध्या के रहने वाले होनहार बल्लेबाज, लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं। आप जी बिल्कुल, हमजा भाई आज परिवर्तन किया गया अपनी जोड़ी में, सिकंदर यादव के जगह पे अंकुर यादव पारी की शुरुआत करने के लिए आए गए, आज एक अलग क्षेत्र की शुरुआत की है क्योंकि जानते हैं बड़ा मैच है। अंकुर तैयार होते हुए बात पहनी गई नहीं लपक पाया, आखिरी क्षणों में उनके हाथ से कैच ड्रॉप हुआ लेकिन संघर्ष काफी बेहतरीन किए थे। कल एक विवाद भी हो गया, बॉर्डर पर खड़े होने वाले खिलाड़ी 11 के बजाय 12 खिलाड़ी हो गए थे, ये ख्याल रखना है कि अपना अपना हाथ दिखा करके, जिम्मेदारी एम्पायर की है कि 11 खिलाड़ी हो और अगर कोई 12 खिलाड़ी वाला आएगा तो उसका सीधा 20 रन का दिए, ये अनाउंस करिए, जरा सा भी अगर कोई इधर उधर करने की स्थिति हो तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल के मुकाबले में कोई
एक बार फिर के हवा में है, पर उसके नीचे आते चले जा रहे, कहीं टक्कर तो हो जाए इंडिया, इसका तो तबाही हो गया, टक्कर तो हो गई, मगर अपने मेरन कला में चले जा रहे हैं, दोनों बल्लेबाजों को दोनों के ऊपर यहाँ पर मौका मिल गया है। ये बिल्कुल इसमें एक बात का कोई दोष नहीं है, जिस तरह से जब आप इस तरह से दिशाहीन फील्डिंग करेंगे तो दोनों बार कैच को यहाँ पे ड्रॉप किए, ये कैच हालांकि उतना टफ नहीं था, इस कैच को लपकना जा रहा था, हालांकि अगला कैच पांडे, हर कैच टफ होता है ऐसा आप मत कहिए, क्योंकि कैच अपने पालो थ्रो में जाकर 25 कर, वो जो मिड विकेट का खिलाड़ी उसको जोहर उत्तम कैच था, मगर उन्होंने अपना वहां पर एसीएस डाल करके उन्होंने कहा कि मेरा कैच है और कैच छोड़ दिया। प्रवीण राजवान गेंदबाजी करते चले जा रहे हैं, अंकुर दोबारा तैयार होते हुए प्रवीण यादव ने बहुत ही सिर पर शानदार गेंदबाजी की है, लेकिन जो कैच अगर ना ड्रॉप होते दोनों अपना बल्लेबाज अब तक ड्रेसिंग रूम में विश्राम होते, कहीं ना कहीं दबाव में जाती थी लोगों की टीम, लेकिन जब दोनों दो कैच इस तरह के ड्रॉप हुए, कैच पकड़ो मैच जीतो, कैच छोटा तो प्रवीण यादव रहने वाला बेटा कहाँ का है, अपने क्षेत्र का है बाहर का है, हिम्मतपुर का छपिया के रहने वाले हैं, शानदार गेंदबाजी की गई है, प्रवीण यादव तैयार है, छपिया के रहने वाले हैं, जो चार आप बाहर से प्लेयर बुला दे दो छपिया के रहने वाले, इसमें गेंदबाज का क्या दोष है, जब गेंदबाज तो लगातार गेंदबाज अच्छा कर रहा है, लेकिन आप एक बार गलतियां करते दो तीसरा कैच छूटता हुआ इस ओवर में, अगर आप कैच ड्रॉप होते हैं तो आप मैच में तो बाहर हो ही जाएंगे, इस तरह तीन बॉल बैट पर आई है, रैया के कप्तान अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो तब्दील नहीं कर पाए, लाने के लिए चले आए अंकित तैयार, भानपुर के खिलाड़ी बहुत ही लाजवाब गेंद अंकित के द्वारा, माफ कीजिए प्रवीण के द्वारा, और ओवर अपनी समाप्ति होती हुई, ओवर नंबर पहला खत्म होता हुआ, टीम का स्कोर है मात्र 4 रन और कैच छोटे हैं विधायक जी 3, अन्यथा 3 बल्लेबाज उठकर बोले चले जाते जी, अब तक कहीं ना कहीं जो स्कोर होता वो शॉट का ही स्कोर होता, जिस तरह से 3 कैच ड्रॉप हुए तीनों तो वैसे ही बन गए हैं, तो क्या शानदार गेंदबाजी की गई, छपिया के निवासी है परवीन, बिल्कुल एक बड़े मंच पर बड़ा पंच मारते बड़े बल्लेबाज के सामने, जो कि दोनों ही बहुत ही बड़े बल्लेबाज है, एक बार ने बता दे अयोध्या से आए हुए हैं, मुकाबला खेल रहे हैं 2013 से लगातार खेलते चले जा रहे हैं, मगर नए वो नहीं नजर आ रहा है उनकी बल्लेबाजी में, और अंकित जो गेंदबाजी अच्छी के लिए वो भी बल्लेबाजी में खासकर जीवनदार उनको भी मिल चुका है, सिरपतपुर की टीम अपने बैटिंग से थोड़ा निराश तो की थी मगर फील्डिंग में भी वो निराश कर रही है जी बिल्कुल, लेकिन गेंदबाजी जब अच्छी होती तो अच्छे अच्छे बल्लेबाज को मजबूर हो जाना पड़ता है, लेकिन गेंदबाजी की भी दाद देनी होगी, प्रवीण ने जिस तरह से बल्लेबाज को पांच में रखा, 3 मौके आए थे, 3 कैच ड्रॉप हुआ था, अगर तीनों कैच को लपका जाता तो कहीं ना कहीं मैच का नतीजा कुछ और ही होता, एक बार फिर अपसे की बहुत अच्छी गेंद थी, फिर मोटाई लगती हुई चली गई, साढ़े हाई लेग की दिशा में उस और कैमरामैन आफ्ताब भाई मौजूद है उनके बगल से होती हुई गई, रन के लिए तो नहीं मगर अपसे दोबारा तैयारी में अंकुर के खिलाफ गेंदबाजी करने के लिए निकल जाते हैं, एक बार फिर गेंद हवा में, फिनिश के नीचे, ये पहले गेंद में आखिरकार गिर गया, मोटा एलन का लगातार उसी दिशा में खेलने का प्रयास किया जा रहा है, और फार्म आप की जो फाइनल पर एक आसान सा कैच इस बार पकड़ जाएंगे, 2 रन बनाकर आउट होकर अंकुर यादव अपने नाम के अनुरूप बल्लेबाजी बिल्कुल नहीं कर पाए हैं, जिस तरह भाई नमान भाई का मैच नहीं, भाई कोई जानकारी नहीं है आज के लिए, शेड्यूल दीजिए और लिस्ट दीजिए कौन कौन मैच खेल रहा है किस नंबर पे खेल रहा है, इसके बाद हरैया बनाम मुरादीपुर का मुकाबला होगा, या बजाज दिया बनाम मुरादीपुर के बीच मुकाबला होगा, नए बल्लेबाज गेम हमारे एम्पायर मनीष शुक्ला बताएंगे, फिरोज बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं,
सिर पर पड़ने बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी करके टीम को दिखा दिया है कि 63 रन कम नहीं है, यहाँ से रन बनाने होंगे अगर मुकाबला खड़ा होना है। मगर अभिषेक के द्वारा खतरनाक गेंदबाजी होती है, सारी टीमों का मैच है भाई। उनके अतीत एक बैक फुट पॉइंट पर जौहर माफ कीजिए इतना कवर बोल रहे हैं करीब जौहर नजर आ रहे हैं। अभिषेक गेंदबाजी मीडिया माफ कीजिए जूनियर हाई स्कूल छोड़ते गेंदबाजी करते चले जाए बार पढ़िया गेंद फिर उन्हें आसानी से कलाई झुकाया सर झुकाया सामने के जो खेल कर एक भाग पूरा कर लिया। बिल्कुल बहुत ही अनुशासन भरी की जा रही है, इस समय बल्लेबाज को बांध के रखा है और इसी तरह से अनुशासन भरी गेंदबाजी करनी होगी क्योंकि स्कोर बोर्ड पे ज्यादा टीम टांग नहीं पाई, मात्र 63 ही बने हैं 8 ओवर में इस ग्राउंड पर, जिस तरह से छोटी ग्राउंड है। 8 गेंदों पर माफ कीजिए 4 गेंदे हो चुके, मात्र रन है 5। प्रयास कर रहे हैं और विफल चले जा रहे हैं भानपुर के अंकित। जी बिल्कुल, अंकित जो की 527 गेंदों में शतक लगाए थे लीग मैचों में और अभी तक उनका बल्ला जरूर खामोश है लेकिन संयम और धैर्य के साथ में बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि 48 गेंदों में जीत के लिए 64 रन कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। इस ग्राउंड पर आसानी के साथ अगर थोड़ा समय देंगे पिच को पढ़ेंगे मिजाज को पढ़ेंगे तो आसानी के साथ बड़ी पारी खेल सकते हैं और उनके पास समय भी है। अंपायर का इशारा होकर समापन का आता हुआ 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है मात्र 6 रन। एक विकेट के नुकसान पर रिक्वायरमेंट रेट लगभग 11 के करीब पहुंच चुका है, यहां से बनाने होंगे और बहुत ही जिम्मेदारी हो चुकी है तिल्लोपुर के फिरोज और अंकित के कंधों पर। विकेट तो 9 है मगर बल्ले पर गेंद ढंग से आ नहीं रही है, मगर जितनी तारीफ की जाए सिरपतपुर की उतनी कम है, लाजवाब गेंदबाजी की है उन्होंने 2 ओवर में। कैच अगर ड्राफ्ट ना होते तो नतीजा कुछ और होता और गेंदबाजी कप्तान अपने तीसरे गेंदबाज को लेकर आ रहे हैं, नए गेंदबाज ने बता दे अरविंद बरमरा। अरविंद वर्मा कहां के रहने वाले जी? जैनापुर गंगा के बगल। जी हां, जैनापुर के रहने वाले अरविंद वर्मा सामने बल्लेबाज खानपुर के अंकित के खिलाफ गेंदबाजी करेंगे। एक बार फिर बहुत ही बेहतरीन हवा में ठीक है छूट गया है, ऐसा लगा टोटा है ना कटिया के छूटा वहां पर लगातार 4 कैच छूटे लगातार नहीं तीसरे ओवर में 4 कैच लगातार छूट गए। जी बिल्कुल, कुल मिला के 4th कैच ड्रॉप हुआ है, जो इस तरह से कैच जवाब छोड़ेंगे तो कैसे मैच में बने रहेंगे, उम्मीद है ज्यादा रन स्कोर पर भी आपकी टीम। जैनापुर का गेंदबाज शर्मा हावी हो गए थे अंकित के ऊपर, खानपुर के जो बल्लेबाज होनहार बल्लेबाज फिर पड़ के गए आप इस चक्कर करीब की हवा में झूलती हुई बल्लेबाज को पंख बंद नहीं आ रहा है और विकेट कीपर ने गेंद को फिट कर लिया रन के लिए नहीं। लगातार बल्लेबाज को बांध के रखने में महारत हासिल करते हुए कस के रखा है जकड़ के रखा है बांध के रखा बल्लेबाज को, काफी अनुशासन भरी गेंदबाजी और एक नई जान इस मैच में फूंकती है। जिस तरह से बड़ा स्कोर स्कोरबोर्ड टीम ने टाल नहीं पाई लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी धार हो रही है बिल्कुल बल्लेबाज को बांध के रखा है इस समय और एक रन आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज जरूर पूरा करते हुए 7 रन होता हुआ टीम का विकेट मात्र गंवाई है। अभी 2 जीवन दान मिल चुके हैं अंकित को नए बल्लेबाज फिरोज अभी एक गेंद पर एक रन बनाकर वर्मा की गेंदों का सामना करेंगे। उस ओर पटके के लाजवाब स्कोर 35 रन कर दिया है, उस ओर ये सीमा रेखा के बाहर नजर आते हुए पॉइंट और गली के बीच से होते हुए चले जाएंगे। इंपायर साइमन टैफल का इशारा आता हुआ 4 रन और टीम का स्कोर जब पहुंचा है 11 रन, ऐसा लग रहा है फिरोज अच्छे टच में दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, फिरोज इस समय लय को ढूंढते हुए क्योंकि जान रहे हैं कि अब तेज गति से प्रहार करना होगा क्योंकि एक तो ओवर और चुपचाप बीत जाएगा तो टीम के दबाव में चली जाएगी। वर्मा लगातार आप स्टंप के करीब बिल्कुल मैकरा के अंदाज में गेंदबाजी करते चले जा रहे हैं, जगह बिल्कुल देना नहीं चाहते हैं मगर इस बार जगह दे बैठे। एम्पायर मार के बल्लेबाज फिरोज ने टाल लिया और सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। भारत ने पूरा कर ले गया था, फिर क्या पता ओवर फिर तो हुआ था और 2 रन। सिर्फ पर वालों अगर ऐसा खेलोगे तो मैच कैसे जीतोगे भैया, मैच पकड़ना कैच
जिंदमय, ये बिल्कुल पांच कैच आपने ड्रॉप कर दिए हैं, मानो कैच पकड़ना जानते ही ना हो। जिस तरह से पांच कैच हुआ कम से कम ये कैच तो लपकना था, और जब भी कैच आता तो दो प्लेयर आपस में टकरा जाते जैसे मानो पहली बार कोई टूर्नामेंट खेल रहे हो, पहली बार कोई मैच खेल रहे हो। गलतियां एक बार होती है, बार बार गलतियां नहीं होती है। विधायक जी अपनी निगाहें बिल्कुल तरेर कर मैच का मुकाबला देख रहे हैं, क्योंकि मुकाबला बहुत टाइट होगा। बहुत ही अच्छी गेंद, लंबा पड़ने के बाद अच्छी गेंद थी, समझ में आया फ्यूज को जबरदस्ती बाहर करना चला तो दिए थे। किस्मत वाले की कैच आकर स्टंप पर नहीं टकराई है। ओवर अब समाप्त होता हुआ तीन, और टीम का स्कोर है 13 रन। इस तरीके से रन बनेंगे तो मुकाबला तिंदुलकर हार जाएगा। जी बिल्कुल, मैच का उद्घाटन करने के लिए माननीय सांसद जी 5 मिनट के अंदर पहुंच रहे हैं। ये मैच खत्म होने के तुरंत बाद अगले मैच का टास्क हो जाए और सभी खिलाड़ी तैयार रहे, खिलाड़ी सभी तैयार हैं। मुरादीपुर और हरैया इन्हीं का मैच होना है ना। मार्शल जी आप घूम रहे हैं, आपका कैच शूट कहाँ गया, आज ऐसे खेल रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है, माननीय सांसद जी पहुंचने वाले हैं, मैच का उद्घाटन कराना। पत्रकार बंधुओं को फोन कर दीजिए कृपया, पत्रकार बंधुओं को फोन कर दीजिए। मखौड़ा श्री राम राम जन महोत्सव 2023 का पहला क्वार्टर फाइनल हनुमान भाई का देखते हैं मैच, कुछ ही पलों में होता है, नहीं होता है, आते हैं नहीं आते हैं कि पहुंचने वाले हैं। दूसरा मुकाबला हरैया बाजार बनाम मुरादीपुर के बीच खेला जाएगा, उसको उद्घाटन करेंगे कैमरामैन हमारे आफ्ताब भाई, उसको तैयार है। धूप ज्यादा खिली नहीं है मगर फिर भी छाता लगाकर बैठे हुए खूब जम भी रहे हैं। अंकित की बल्लेबाजी जम नहीं रही है, खासकर तिलोकपुर को और संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। अंकित के लिए बढ़िया गेंद, आप इस करीब से होते हैं विकेट कीपर के, अतिरिक्त कोई स्लिप तो है नहीं मगर सफाई से गेंद को फिट कर लिया। पहली गेंद स्टार्ट हो चुकी है, ओवर नंबर 14 जारी है। गेंदबाजी कर रहे हैं अब से जूनियर हाई स्कूल छोड़ से गेंदबाजी करेंगे, बिल्कुल एक जख्म पे नमक छिड़कते हुए कहीं ना कहीं। जब आप इस तरह से मौके पाएंगे बार बार बल्लेबाज को कैच ड्रॉप करेंगे तो बल्लेबाज तो कभी ना कभी अपने फॉर्म को वापस ले ही लाएंगे, आपस लय में ढूंढते हुए और आखिरकार छक्का जड़ते हुए और छक्के के साथ टीम का स्कोर छलता कूदता भागता 19 रन जा पहुंचा है। इस बात की ताल में बैठे तो ओपन पिच गेंद कुछ करना नहीं था, एक कदम आगे निकाला सामने गेंद को खेल भर दिया। क्या अंकित अमल में पा चुके भानपुर के होनहार नामक इनकी बोली लगी है 51,000 रुपए इस टूर्नामेंट में खेलने के, क्योंकि आप 4 बाहरी क्रिकेट प्लेयर बना सकते हैं और तिलोकपुर के कप्तान 51,000 रुपए खर्च के तौर पर यहाँ पे लेके आए हैं। एक बार फिर बहुत ही बढ़िया गेंद और इस पर कहते कटर गए टप्पा पड़ने के बाद और बाहर की तरफ निकले। अब से के द्वारा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भैया ये क्या हो रहा है, इतनी स्पीड क्यों हो रही है, क्या ये नागपुर की भारत बराम ऑस्ट्रेलिया वाली पिच तो नहीं है? ये बिल्कुल बहुत ही शानदार गेंद सर से किया चुके हैं, कृपया बुके वगैरह कहा है, बुके है मुरादीपुर या कोई और जी हमारे बीच उपस्थित होते हुए इसने हरीश द्विवेदी जी सांसद बस्ती सांसद हमारे ठीक कमेटी पास के करीब पहुंचते हुए और अब से गेंदबाजी जारी रखे हुए हैं। अंकित बल्लेबाजी कर रहे, छक्का तो लगाया है मगर अभी भी उन्हें हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अब से खेलेगा फिर पांच आगे चारों खरीद चुके हो गए, सफाई से गेंद को फील्ड नहीं कर पाए और रन तो नहीं मिलेगा क्योंकि उस पर फील्डर मौजूद है। मुरादीपुर ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया है, इसके बाद जो मुकाबला उसका उद्घाटन होगा। मखौड़ा श्री रामचंद्र महोत्सव 2023 का एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद टप्पा पड़ने के बाद एकदम नहीं गिरेगे, बिल्कुल रन बदल चुकी है। कल जब बारिश हुई थी ओवर नंबर खत्म हो गया है 3 और टीम का स्कोर है 19 रन, विकेट गंवाए हैं 1। हमारे कमेंट्री बॉक्स के बगल जो मंच लगा विधायक जी के साथ माननीय सांसद हरीश द्विवेदी जी पहुंच गए हैं, हम सभी के बीच में अपने अमूल्य समय निकाल कर आए। चार ओवर खत्म हो चुके, हरीश द्विवेदी जी का आगमन हुआ जो कि अगले कुछ ही छोड़ों मैदान के बीच में जाएंगे और सभी खिलाड़ियों का नाम और पर्चे ग्रहण करेंगे। चार ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 19 रन, विकेट गिरा हम मात्र एक। बोलते हैं नियम बनाने हैं, इसको बोलते हैं
अब बची है 24 गेंदे और रन बनाने हैं कितने तो बताएंगे। वर्मा फिर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, बल्लेबाज फिरोज के लिए, विकेट कीपर के अतिरिक्त कोई सीन नहीं है। माफ कीजिए, और टीम का स्कोर क्या पहुंचा है, 25 रन। सांसद जी हमारे बीच मौजूद है, आते उन्होंने छक्का से स्वागत किया फिरोज ने, इससे पहले बहुत कसी गेंदबाजी हो रही थी। एक बार फिर वर्मा टप्पा पड़ने के बाद आप इसमें बहुत ज्यादा बाहर और व्हाइट का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ है। हेलो हेलो जी, हेलो व्हाइट गेट पर एक रन और मिलता हुआ, एक गेंद हुई है इस ओवर में, 7 रन बन चुके हैं और लंबा ओवर प्रयास फ्लोट कर पाएंगे। लंबा ओवर मौजूद है, एक रन और मिल जाएगा विकेट पर, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे आसानी से एक रन और मिलता हुआ। वर्मा की 2 गेंद हो चुकी, 3 गेंद किए, एक व्हाइट और 2 पे एक छक्का, एक सिंगल, का मतलब 8 रन खर्च कर चुके हैं। ओवर नंबर ये 5वां पर गया भैया, कामरान खान का मैच है जी। बहुत ही शानदार गेंदबाजी किए जा रहे हैं, समय बल्लेबाज को 5 के रखने में महारत हासिल करते हुए, अगर वो 5 के ड्रॉप ना होते तो मैच का नतीजा कुछ और होता। इसी बीच सामने बल्लेबाज अंकित दुबार खेल दिया है, लेकिन सफाई के साथ गेंद को मिस गलती होती है हल्की सी। इसी बीच दोनों बल्लेबाज जेकर पूरा करते हुए मिड विकेट के क्षेत्र में, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, दोनों ही बल्लेबाज दौड़कर रन पूरा करते हुए, टीम का योग 28 रन जा पहुंचा है। अभी भी लगभग 11 के करीब रन यहां से बनाने होंगे। हमारे स्कोरर रजिस्ट्रेशन जो मौजूद है बताए कितनी गेंदों पर कितने बने बनाने, इस ओवर के बाद काउंटडाउन फाइनल कल खेला जाएगा। दूसरा टीम का स्कोर मात्र अभी भी है 28 रन, ओवर नंबर 5वां प्रगत पर है जी। बिल्कुल, अब यहाँ से मैच ने एक अलग मोड़ ले लिया, जिस तरह से दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। हालांकि एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है संदीप, अभी सिकंदर यादव आने बाकी है, जो अकेले दम पर मैच जिताने का प्रतिभा और क्षमता रखते हैं अपने अंदर, तो काफी गहराई है। आने वाले बल्लेबाजों पर अगर नजर डाला जाए, नए बल्लेबाज आए हैं संदीप, जो कि कूड़ के बाद कोलू के नाम से जाना जाता है। बल्लेबाजी गहराई से नहीं नापा जाता है, क्योंकि गेंद एक होती लगातार चली जा रही है, दबाव पड़ता चला जाएगा, चाहे जिस तरीके का बल्लेबाज हो, जब गेंद कम हो जाती है, रन ज्यादा हो जाते हैं, तो उनके ऊपर दबाव बहुत हो जाता है। और देखने वाली बात है, संदीप जो गेंदबाजी में अच्छी गेंदबाजी किए थे, अब यहाँ से कैसी गेंदबाजी बल्लेबाजी करेंगे। वर्मा चले एक बार फिर संदीप के लिए गेंद को खेलने के आते तलवार खरबूजे में चलाई है, जंगल का शेर भूखा है शिकार करेगा भैया। बिल्कुल उसी प्रकार पहली गेंद पर पहला वार करते हुए, पहली गेंद बल्ले के साथ खेल लिखते हुए, जितनी तारीफ में प्रशंसा की जाए कम है यहाँ पे संदीप, जिस तरह से बल्लेबाजी करने के लिए छाने जाते हैं। पावर हिटर बल्लेबाज बखूबी यहाँ पे भरपूर प्रहार करते हुए, इस बार मौका बन सकता है, क्या बड़ी मछली चारों छठे की, ओहो छठा मैच ड्रॉप होता हुआ, तो ड्राफ हुआ, मगर यहाँ पर अंकित के रूम में रन आउट हो जाएंगे। एक रन रन लेने का प्रयास था, उस ओर संदीप देख ही नहीं गए थे, क्योंकि उनको लगा था कि मैं कैच आउट हो जाऊंगा, और भागते हुए अंकित चले जा रहे हैं। दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल की कमी थी, खासकर दोनों बल्लेबाज भाग फुट गए हैं, और भाग फुट से अच्छी बल्लेबाजी करते लगातार, मगर इस बार तालमेल की कमी थी, और सिर्फ पंतपुर को एक विकेट अंकित के रूप में बहुत बड़ा विकेट मिल चुका है। कैच जरूर ड्रॉप हुआ था, भैया ना मौका है नाम बहुत ही सहयोग पर टीम का ये गिर गया है। तीसरा विकेट, नए बल्लेबाज आए हैं, अंपायर का नाम बता दे, प्रतीक, प्रतीक नए बल्लेबाज। 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 34 रन, विकेट गंवा चुकी है टीम ने 3। हर ओवर में 10 रन प्रति ओवर यहां से मैच बना रहे जीतने के लिए।
संदीप के कंधों पर जिम्मेदारी होगी तिल्लोपुर को यहाँ से किस तरीके से फाइनल पहुंचाए, मगर नए गेंदबाज जो आए हैं उनके सिरपतपुर को सिर्फ फाइनल में दिखाना है तो विकेट देना होगा। एक बार फिर गेंद को फेंक दिया है, कलाइयों के सारे गेंद चली जा रहे हैं, उस और फील्डर मौजूद है, एक रन और मिलता हुआ और टीम का स्कोर क्या पहुंचाए की मदद से 35 रन। गेंदबाजी डायरेक्टली रखे हुए हैं बोलो जूनियर हाई स्कूल छोड़ते गेंदबाजी करेंगे, बिल्कुल बहुत ही शानदार छोटा पैकर बड़ा धमाका ताबड़ तोड़ बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए संदीप, और जब से संदीप आए हैं रन खत्ती में उछाल देखने को मिली है और इस चौके के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता भागता 45 रन जा पहुंचा है। अब रन गति में उछाल देखने को मिला है, भरपूर प्रयास किया जा रहा है क्योंकि 4 रन ज्यादा गेंदें बची नहीं है। बाहर के अंपायर वाइड बॉल देंगे, 6 हाथ रेज के साथ टीम के स्कोर में इजाफा होता हुआ, टीम का योग 40 रन। 24 रनों की और दरकार है, 40 रन और है। संदीप भाई प्रबंधक महोदय कहाँ है, चाय बिना चीनी और चीनी को लगा दी चाय व्यवस्था रन बनाओ, बताना पड़ेगा चेक क्लियर जल्दी करो। और एक बार फिर गेंद बहुत ही बढ़िया यार गेंद की गेंद की सामने गेंद को खेल भर दिया रन के लिए नहीं, और अभी भी 24 रनों की और दरकार है। ऑनलाइन मैच आजमगढ़ क्रिकेट लाइव पर आप साफ बैठे हमारे सामने मौजूद है, दृष्टि लगाकर मैच दिखा रहे हैं, अगर आप किसी कारणवश मैदान पर नहीं आए हैं तो बैठ कर मुकाबला देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अब मुकाबला अब अपने परवान पर चढ़ता हुआ। एक बार फिर संदीप के बैट की गेंद, भैया ये कैसे बैट है, इतनी शॉर्ट गेंद तो बहुत ही लंबा छक्का जड़ दिया है, 102 मीटर का लंबा ऊंचा छक्का, संदीप मालूम मैच का रुख बदल रहे हैं, बिल्कुल संदीप का बल्ला मानो अगुआ रहा हो, संदीप तो ऐसे खेल रहे मानो बेसिक रूम में से ही सेट होकर चले गए हो, विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे अपने टीम के लिए बखूबी। टीम का उछलता कूदता स्कोर क्या पहुंचा 46 रन, और गेंदबाजी गोलों के द्वारा जारी है, महंगा ओवर जारी है, कप्तान को कुछ संभालने के लिए चले आ रहे हैं, कुछ उससे बात करते चले जा रहे हैं लांग आपसे भागते हुए, संदीप दोबारा क्या फिर छक्का लगाएंगे ये देखने वाली बात है, विकेट गिरेगा पर बहुत ही अच्छी गेंद यार सामने को खेल किया है, एक रन और मिल जाएगा, टीम का स्कोर क्या पहुंचा 47 रन, विकेट गिर चुके हैं अब तक 3 और ओवर नंबर ये चल रहा है भाई खान भाई अभी ब्लॉक कर दूंगा भैया जबरदस्ती वाला मैसेज मत मुकाबला अब छूटता हुआ धीरे धीरे तिल्लोपुर को और सिरपतपुर को यहाँ से विकेट निकालने हैं अगर सेफ फाइनल में जगह बनानी है। बिल्कुल 13 गेंदों में जीत के लिए 17 रनों की दरकार है, कौन बनेगा विजेता, कौन सी टीम यहाँ से बाजी मारी पार बढ़िया हवाई फैस मिलेंगे पूरे इस समय, और छक्के के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता भागता 53 रन जा पहुंचा और इसी के साथ 50 रन भी पूरा होता हुआ टीम का योग 53 रन है टीम का योग, अब जीत के लिए 11 रनों की दरकार है। ओवर समाप्त, ओवर नंबर 6 यहां से समाप्त होता हुआ, 25 गेंदें है 12 गेंदें 11 यहाँ से विकेट निकालना होगा खासकर संदीप का, अन्यथा मैच भाई जानकारी नहीं है नमन है और फेसबुक पर लगभग चौके के करीब पहुंचता हुआ यहाँ पर मैं जो यहाँ से देख पा रहा हूँ आप लोगों को दिखाने पर बार का इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल का सिरपतपुर पूरी दबाव में आ चुकी है। जी बिल्कुल टीम दबाव में आई है, जब आप 5-6 कैच जब आप ड्रॉप कर चुके हैं तो आप मैच में कहां बने रहेंगे, जब 6-6 कैच आपने शुरुआती क्षणों में ही ड्रॉप किए हैं संदीप भाई जैसे, मुझे जानकारी नहीं है मैं कैसे बता दूं भाई, लेकिन मैं भी बोलूंगा नहीं है तो भी बोलोगे कि नहीं है बोल रहा है, मैं बोलूंगा है तो फिर बोलोगे नहीं हुआ, नहीं जानकारी है इसीलिए बोल रहा हूँ ना भाई जान, सड़क पर हार करते हो देर सीधा सीमा रखा के बाहर जाते हो खेलों के लिए, और इसी के साथ जीत लिया है और मुकाबला यहाँ से 7 विकेट से जीत लिया है, दिया इस छक्के से मुकाबला खत्म कर दिया है, सेमीफाइनल में तिल्लोपुर की टीम
दर्शक तालियां स्वागत करेंगे। दूसरा मुकाबला होगा हरैया बाजार मुरादीपुर। चलिए मिलते हैं। कौन जीता? तिल्लो पर 7 विकेट से मुकाबला जीत चुकी है। बहुत बहुत बधाई। अच्छा मैं उल्टा समझ रहा था। और सिर पर